जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन होस्ट हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आईटीबीपी जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी दोस्तों, इसका जो है फिजिकल स्टार्ट हो गया है। दोस्तों फिजिकल में क्या क्या होगा, आपके हाइट, चेस्ट और रनिंग वगैरह कितनी कितनी करवाई जाएगी, हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर, ये जो है वो 6 पोस्ट के लिए जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाले गए थे आईटीबीपी की तरफ से। दोस्तों इसका एडमिट कार्ड भी जारी हो गया। दोस्तों अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो आई बटन पर लिंक है, उसको जो है वीडियो देख सकते हैं। एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, मैंने कंप्लीट जो है प्रोसेस बताया एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन की जो है वो सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी पीटी होने वाला है, उसके बाद पीएसटी होने वाला है। दोस्तों पीटी पीएसटी क्या होने वाला है, हम चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फेज वन हमारा होगा, आपको जो है वो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसके साथ ही आपको आईडी वगैरह क्या क्या ले जानी है मैंने वीडियो बताया है, तो आप दो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर्स पे वो लेकर जाना है। दोस्तों हम आप बात कर लेते हैं पीटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या क्या वहाँ पर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाने के बाद जो है आपकी सबसे पहले पीटी होगी, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो है रेस रखा गया है, पर देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर आपको रेस करना है, जो कि 7.5 मिनट में आपको जो है कंप्लीट करना, 7 मिनट 30 सेकंड में आपको रेस जो है वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है नेक्स्ट जो हो जाए 11 फीट लॉन्ग जंप होगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, मतलब आपको 11 फीट जो है लॉन्ग जंप करना है यानी लंबी कूद करनी है। उसके बाद जो 3.5 फीट की आपको जो है हाई जंप होने वाली है। जी दोस्तों आपको 3.5 फीट की हाई जंप करवाई जाएगी, 11 फीट का लॉन्ग जंप करवाया जाएगा और 1.6 किलोमीटर का आपका रेस होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दें सबसे पहले आपसे जो है वो रेस क्लियर करवाया जाएगा, रेस आपका ग्राउंड में हो सकता है या तो रोड पर हो सकता है, ये सब सेंटर के ऊपर डिपेंड होता है। रेस कंप्लीट करने के बाद आपसे 11 फीट का सबसे पहले वो आपका जो लॉन्ग जंप करवाया जाएगा या तो आपसे 3.5 फीट की जो है वो हाई जंप, दोनों में से कोई भी एक पहले हो सकता है। तो सबसे पहले आपका रेस होगा, रेस के बाद आपका हाई जंप लॉन्ग जंप होगा, जिसके लिए आपको 3-3 चांस दिए जाएंगे, मतलब आप एक बार में नहीं कर पाते क्वालिफाइड, दूसरा चांस, तीसरा चांस, 3 बार आपको वो मौका वहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी और देख लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट उनका रेस कितना होने वाला। जो फीमेल कैंडिडेट्स उनका जो रेस है वो 800 मीटर का रेस होगा, 800 मीटर आपको जो है वो 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। टोटल 800 मीटर होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और इनके लिए फीमेल जो कैंडिडेट है इनके लिए लॉन्ग जंप जो है वो 9 फीट का होगा, इनको भी 3 चांस दिया जाएगा, और हाई जंप 3 फीट होने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए। आपको ध्यान से यहाँ पे देख लेना है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप यहाँ पे आपको होने वाला है। एक बार फिर से आपको बता दें सबसे पहले आपका 800 मीटर रेस होगा, उसके बाद आपको हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों में से कोई भी यहाँ पे पहले हो सकते हैं, यानी 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, उसके बाद 3 फीट आपको जो है वो हाई जंप करना है। दोस्तों इसके लिए 3-3 चांस दिए जाते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इसके लिए कोई भी नंबर से यहाँ पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नो मार्क विल बी अलॉटेड फॉर द पीटी शैल बी क्वालिफाइंग, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। दोस्तों जब इतना आपका चीज़ हो जाएगा यानी रेस हो जाएगी, आपकी हाई जंप हो जाएगी, लॉन्ग जंप हो जाएगी, इसके बाद आपको जो है वो पीएसटी यानी जो हमारा सेकंड फेज आ जाता है, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है, पीएसटी जिसको बोलते हैं। जो कैंडिडेट पीटी में पास होंगे वो जो है हाइट चेस्ट मेजरमेंट के लिए लिए जाएंगे, चेस्ट मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका वेट भी होता है, साथ ही साथ हाइट चेस्ट के साथ वेट भी हो जाता है, वेट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। वेट अगर आपका कम है या ज़्यादा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है वहाँ पे पास कर लिया जाता है वेट में, आपको सिर्फ हाइट चेस्ट का ध्यान रखना। चलिए हम आपको बता देते हैं जो हाइट चेस्ट कितना होने वाला है। दोस्तों हाइट चेस्ट के बाद आपका जो आप जो पीटी पीएसटी फर्स्ट फेज का जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम हो जो कि 50 नंबर का। दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला आपको जल्दी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जल्दी आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं हमारा जो हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है, आपकी जो है वो कितनी हाइट मापी जाएगी, कितना आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दोस्तों सबको जितने भी जो है वो कैटेगरीज हैं, मतलब जितने भी ट्रेड हैं, यहाँ पे टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, बार्बर, सभी ट्रेड का अलग अलग पीएसटी पीटी होता है, मतलब आपका तो रनिंग वगैरह तो सेम होगा लेकिन आपकी हाइट जो चेस्ट है वो अलग अलग मापी जाती है। जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेलर गार्डनर कॉबलर है इनकी जो है हाइट चेस्ट क्या मापी जाएगी यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एक्सपेक्ट दोज गिवन ब्लो, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं नॉर्मल वो 167.5 मेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए 157 जो आपकी हाइट मापी जाएगी। दोस्तों चेस्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड करने के बाद 85 होना चाहिए, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर आपको जो है फुला के दिखाना पड़ेगा। दोस्तों जो कैंडिडेट्स गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा हैं उनकी हाइट जो है 165 और फीमेल की 155 मापी जाएगी, और उनका चेस्ट जो है 78 होना चाहिए, फुला के 83 सेंटीमीटर होना चाहिए।
जो कैंडिडेट एसटी हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते हैं एसटी वाले, उनका जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर वहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा, 162.5। और जो लेडीज है मतलब फीमेल है उनका 150 सेंटीमीटर हाइट मापी जाएगी। साथ ही साथ आपको हम बता दें चेस्ट जो है लड़कों का जो मेल है उनका 76 और फुलाने के बाद 81, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर सभी कैंडिडेट जितने कोई भी कैटेगरी हो आपको 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंस करना होता है, फुलाना पड़ता है। दोस्तों ये तो बात होगी टेलर गार्डनर और कॉबलर की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी वाशरमैन बार्बर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आपको जो है वो आपकी हाइट क्या रहने वाली, जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं जनरल से फॉर ऑल स्टेट यूनियन टेरेटरीज जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर मापी जाएगी, फीमेल की 157 सेंटीमीटर मापी जाएगी। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका जो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, जो ये जो अदर स्टेट से आते हैं मतलब जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमारे गढ़वाली हैं, गोरखा है, कुमाऊनी हैं, डोगराज हैं, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वगैरह के हैं, इनकी जो हाइट दोस्तों रहने वाली हाइट इनकी जो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है और फीमेल की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर रहने वाली। साथ ही साथ आपका जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट है वो 78 यानी 78 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस करना होता है, आपको 83 करना होगा। दोस्तों 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी को वो जरूरी होता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 5 सेंटीमीटर आप सभी को वो एक्सपेंड करना जरूरी होता है। जो कैंडिडेट एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका जो है वाशरमैन बार्बर सफाई कर्मचारी की जो हाइट होनी चाहिए जो एसटी कैंडिडेट है उनका ध्यान से आप देख लें, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर वो आपको एक्सपेंस करके देना होता है। जो कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन नॉर्थन रीजन स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुरी मेघालय मिजोरम जो कैंडिडेट्स यहाँ से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उनका चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट का 77 और फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर इन कैंडिडेट्स का होना चाहिए। बात कर लेते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हालिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मैनपुरी मणिपुर मेघालय मिजोरम, एक कैंडिडेट्स का जो हाइट है वो मापा जाएगा 160 सेंटीमीटर, फीमेल की 147.5 सेंटीमीटर और इनका चेस्ट जो रहने वाला दोस्तों 77 सेंटीमीटर रहने वाला है, साथ ही आपको फुला के 82 सेंटीमीटर करके देना है। दोस्तों वेट की बात कर लेते हैं, वेट यहाँ पे आपको सब कोई नहीं दिया, प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज ऑफ द एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड, मतलब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका वेट जो है वो लिया जाता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वेट अगर आपका कम ज़्यादा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होने। दोस्तों अगर आपको हाइट और चेस्ट में अगर जो छूट चाहिए होता है तो आपको जो हो कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, सेंट्रल का आपको कास्ट लेके जाना है, तभी आप हाइट व चेस्ट में जो एसटी कैंडिडेट है उनको अपना सेंट्रल का वो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, बनवा लेना है, तभी आपको जो है वहाँ पे वो छूट मिलने वाला है। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई जानकारी समझ में नहीं आई है कि फिर जो हाइट चेस्ट क्या रहने वाला है, हमारी ये कैटेगरी है और हमारी हाइट चेस्ट क्या रहने वाली, अगर आपको इसमें भी समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा या आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको पूरे पूरे सवालों के जवाब देंगे। तो ये कुछ जानकारी थी हाइट चेस्ट और पीटी पीएचटी के बारे में। दोस्तों जल्दी आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट जानकारी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको पूरे पूरे सवालों के जवाब जरूर देंगे, आपके पूरे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। दोस्तों तो आपको अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके जो है वो हेल्प करने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।